नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। शहरों से निकलकर अब ग्रामीण इलाकों में पहुंच चुके हैं गांव बासी विधानसभा कोलायत बीकानेर राजस्थान, और तमाम युवा साथी इकट्ठा हो गए। यहां से सिटिंग एमएलए भंवर सिंह भाटी, और ये युवा क्या सोचते हैं, इन 5 सालों में क्या तब्दीली आई है, यही सवाल है। क्या वो सपने पूरे हुए हैं जिनकी बातें भाषणों में होती रही, जो वादे होते रहे और जो बातें होती रही, वो हुए सपने पूरे इन 5 साल में कि नहीं हुए? हुए हैं जी, हुए हैं। क्या क्या सपने पूरे? जो एमएलए 35 साल से था उनका हमने कभी शक्ल नहीं देखी, और ये जो वर्तमान में एमएलए साहब है भंवर सिंह जी भाटी, फोन के साथ ही हाजिर होते हैं, किसी की भी दुख पीड़ा में शामिल होते हैं, हमेशा हमारी जनता के बीच में मौजूद रहते हैं। अच्छा, जनता के बीच में मौजूद रहते हैं। क्यों जी, सड़के वड़के कुछ बनी, रोजगार मिला कि नहीं मिला इन 5 साल? मिला है, सड़के वड़के सारी बनी है, सारा कार्य बना है, चिकित्सा की व्यवस्था बनी है, सब व्यवस्था। हाँ, रोजगार क्या मिला? सारा रोजगार, युवाओं को रोजगार ही मिला है। और क्या सुकून दिख रहा है आपको इन 5 साल में? कुछ दिख रहा है कि सिर्फ बात बात है? नहीं, इस 5 साल में कांग्रेस सरकार बनेगी तो हमारे भंवर सिंह भाटी जी यहाँ से विधायक होंगे। अच्छा। और रामेश्वर जी डुंगडी मुख्यमंत्री बनेंगे तो सारा विकास ही विकास होगा यहाँ पे। तो क्या इन 5 साल में विकास रुका है? नहीं रुका है, बन रहा है। विकास हुआ नहीं यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस के 21 MLA थे, इसलिए हमारे क्षेत्र में विकास कम हुआ। भंवर सिंह जी ने बहुत प्रयास किए, रामेश्वर डुंगडी ने बहुत प्रयास किए, लेकिन विकास नहीं हुआ। क्या राजस्थान में विकास सिर्फ शहरों में ही है, जो गांव है वहाँ पे विकास नहीं है? ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, ठीक है ना? विकास नहीं करते हैं बीजेपी वाले। अच्छा, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, कोई विकास नहीं करते ये। लेकिन 5 साल पहले तो कांग्रेस भी थी, उसने विकास क्यों नहीं? बिल्कुल, क्यों विकास हुआ? कांग्रेस के शासन में मुफ्त दवाइयाँ मिलती थी, ठीक है, इन्होंने बंद कर दी। वो भी एम्बुलेंस सुविधा थी 108, वो इन्होंने बंद कर दी, ठीक है। जो योजना थी वो इन्होंने बंद कर दी, जो फ्री दवाइयाँ मिलती थी वो इन्होंने बंद कर दी, और खाली अपने जुमले फेंकते हैं, खाली हिंदू मुसलमान ये इनके पास टॉपिक है। इनके पास जाने के लिए हमको सर्टिफिकेट चाहिए, ये बताते हैं तभी हिंदू होगा, वो देशभक्त होगा। अच्छा। जिन्होंने मोदी के खिलाफ बोल दिया वो देशद्रोही है। अच्छा। और जो हिंदू का सर्टिफिकेट चाहिए तो मोदी की जय बोलो। ये कौन बात करता है? ये बीजेपी वाले कहते हैं, ये समित पात्रा जी है आपके बीजेपी के, वो वहां पे डिबेट में बैठ गए, आज कर हर चैनल वाले उनको बुलाते हैं। राहुल गांधी भी तो हिंदू हिंदू कर रहे हैं, वो भी तो कह रहे हैं कि असली हिंदू कौन है? क्या चुनाव का मतलब सिर्फ हिंदू मुसलमान है क्या? चुनाव आते ही बीजेपी वाले हिंदू और मुसलमान का मुद्दा उठाते हैं, गाय को बीच में ले आते हैं, तो उनका उत्तर देने के लिए, हिंदू मुसलमान का उत्तर देने के लिए हमको बोलना पड़ता है। तब अब आप मेरे को भी कांग्रेस ही घोषित कर दोगे? मैंने हिंदू मुसलमान बोल दिया, आप कांग्रेस ही हो इसीलिए बोल रहे हो? मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, किसी पार्टी से मतलब नहीं है। क्यों जी, आप एक युवा हैं, क्या नेता सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं? अभी सामने धूल उड़ रही है, ये धूल पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, सड़कों पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, घरों पे ध्यान नहीं दिया, पेंशन पे ध्यान नहीं दिया। ये बीजेपी सरकार है ना, ये फालतू जुमलेबाजी करती है। राजस्थान में 5 साल से बीजेपी की सरकार रही है अभी, बाकी कोई विकास नाम की बीजेपी ने कुछ नहीं किया। किसान के प्रति उसने बहुत ही विरोध है, बहुत घोर अन्याय किया है उसने, और किसानों के ऊपर उसने बहुत ही अत्याचार किया उसने। मैं एक किसान आदमी हूँ, मैं खेती करने वाला आदमी हूँ, बाकी इसने किसानों का बहुत ही अत्याचार किया। बोलते हैं आप, हैं आप क्या बोलते हैं? कि मूंगफली सब ग्वार वगैरह सब बीजते हैं, क्या होना चाहिए था किसान के लिए जो नहीं हो पाया? किसान के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए थी, लेकिन मोदी अभी ऐसा झूठा जुमलाबाजी करते हैं कि हमने अब स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी, वैसे कर दी, कुछ नहीं किया। लेकिन अभी मूंगफली का 3,000 का भाव मिल रहा है, 3,000 भाव से कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला। हाँ, बताओ बताओ कितना खर्च आता है मूंगफली बोने के लिए? 2500 रुपए बीघा, और 3500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेच देते हैं, तो 1000 रुपए में क्या होता है? 1000 रुपए जिसके पास 5 एकड़ जमीन है, तो युवाओं का, यहाँ के युवा करते क्या है? क्या नाम है आपका? नाम गणेश राम गोदरा है मेरा नाम। तो मैं समझ ही नहीं आया क्या बोले आप। गणेश राम। अच्छा, तो क्या करते हैं गणेश राम जी? मैं कुछ नहीं करता, बस घरेलू खेती, किसान के खेती का काम करता हूँ। रोजगार का कोई साधन नहीं मिला? रोजगार कोई साधन नहीं मिला। बताओ आप, बताओ क्या रोजगार का साधन क्या है यहाँ पे, यहाँ के युवाओं के रोजगार
क्या है यहाँ पे? थर्मल पावर प्लांट है 250 मेगावाट की, दो इकाई है, वही है मोटो। तो उसी में यहाँ के युवा काम करने जाते हैं। क्या रोजगार कितना, मेहनताना कितना मिलता होगा? मेहनताना जी 200-250 मेगावाट का यूनिट यहाँ आना वाला है, लेकिन बीजेपी सरकार ने वो रोक दिया है। कमीशन सही है ना, इसलिए उसने रोक दिया। 95% आबादी है जो प्लांट के आधार पर निर्भर है। अच्छा, प्लांट अभी शुरू ही नहीं हुआ, शुरू होने ही नहीं दिया, होने ही नहीं दिया तो शुरू होगा। कांग्रेस सरकार में एक शुरू हो गया था, दूसरा होना है, वो बीजेपी सरकार कर नहीं रही है। बीजेपी ने रोड़ा, आपको क्या लगता है उस प्लांट को शुरू कौन करेगा? शुरू कांग्रेस करेगा, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो शुरू हो जाएगा। पहला भी हुआ, अभी भी हो जाएगा। ये भी हुआ तो कांग्रेस सरकार में ही हुआ। चली क्यों गई थी ये कांग्रेस की सरकार, सवाल ये भी तो है। ये तो देखो, ये तो यहाँ से थोड़ी चली गई, ये तो यहाँ से तो है कांग्रेस आई। ये भी 35 साल से राज करने वाला, जो मतलब कच्ची सड़कें हैं, विकास नहीं हुआ, तो लोगों में, युवा में लोग जागे, नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए, तो उन्होंने मतलब बताया कि भाई ये हम एक ही एक को चुन रहे हैं, तो उन्होंने लोगों को भगा दिया। और हमारे पवन सिंह भाटी एमएलए कांग्रेस है, उन्हें चुन लिया, पहली बार आए हैं। बिजली की क्या व्यवस्था है बताओ, बिजली आ रही है कि नहीं आ रही? गांव में 24 घंटे है और खेतों में जो 8 घंटे का वादा किया था वो सिर्फ 6 घंटे मिलती है, वो टुकड़ों में मिलती है। एक और बात मोदी जी कह रहे हैं, शौचालय, उसमें उसकी जमीनी स्तर पर अगर बात की जाए तो वो बने हैं कि नहीं बने? कागजों में खूब बने हैं, कागजों में खूब बने, गांव में नहीं बना। योजना के तहत कोई भी शौचालय नहीं बना, कोई शौचालय नहीं, कुछ नहीं मिला। सब अपने आप रुपए से बना रहे, बाकी योजना के तहत कुछ नहीं मिला। सर्वे करके देख लो, कहीं पे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा भाई ये केंद्र सरकार द्वारा शौचालय बनाया गया, उस पे लिखा होता है, ऐसा कुछ नहीं। ये तो गांव पहले से भी मतलब विकसित है, हमारे भोमराज यार साहब से तो किसान नेता थे, वहाँ पहले ही विकसित है, तो ये पहले भी सब कुछ बन चुका है। लेकिन जो अदर गांव है, बॉर्डर के सटी गांव है, वहाँ पे अब कोई विकास नहीं है। अब सवाल ये है कि 7 तारीख नजदीक है, बात बीजेपी कांग्रेस और तमाम दूसरी पार्टियों की नहीं है, बात देश के युवा की है, राजस्थान के युवा की है। और बात ये है कि 7 तारीख को किन मुद्दों के साथ राजस्थान की जनता, बासी की जनता, इस गांव की जनता वोट देने जा रही है? पहला मुद्दा तो जातिवाद खत्म होनी चाहिए, जातिवाद पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, जातिवाद पे राजनीति होनी नहीं चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए। दूसरा विकास के आधार पर हम वोट करेंगे। आप कौन सा मुद्दे के साथ वोट करने जा रहे हैं? हम तो ऐसा है, विकास होना चाहिए गांव के अंदर, गांव के युवाओं को रोजगार मिलनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए गांव के अंदर, सब तरह की मतलब बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, इसी आधार पर हम जो इसके वादा। आप बताओ जी क्या मुद्दे हैं? ये लगभग जो इन्होंने बात की है, 50 साल से हर नेता, हर युवा, हर बुजुर्ग यही बात करता है, सड़क, बिजली, पानी, अभी भी वही मुद्दे हैं? अभी तक वही मुद्दे हैं सर। सैमी, हमारा यहाँ प्लांट चालू हो जाए, कांग्रेस सरकार आएगी तो प्लांट चालू हो जाएगा, तो सारे युवा हमारे रोजगार लग जाएंगे, वही आस लगा के बैठे हैं हम, क्योंकि पिछली 35 सालों से देवी सिंह जी भाटी यहाँ पे राज कर रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ नहीं दिया किसी को, 5 साल में पता चला है कि यहाँ कोई विधायक भी है हमारे। आप बताओ जी मुद्दे क्या नजर आ रहे हैं इस बार 7 तारीख को, किन मुद्दों के साथ आप वोट करने जा रहे हैं? मुद्दे तो वही है, बिजली, पानी और रोजगार। अच्छा, और रोजगार अभी तक मिला नहीं? मिला, जब कांग्रेस सरकार आएगी तो यहाँ प्लांट आ जाएगा, तो गाँव के हर युवा को रोजगार मिलेगा। अच्छा, क्यों जी, सरकारी नौकरियों की अगर बात की जाए, हर युवा तैयारी करता है, यहाँ भी करते होंगे कुछ, तो क्या अभी उम्मीदें ही हैं उनकी, और लगता है कि आप जहाँ वोट करने जा रहे हैं वो उम्मीदें पूरी हो पाएंगी? अभी जो वोट करेंगे हम वो रोजगार के लिए करेंगे। अभी एक इन्होंने वो समर्थन मूल्य वाला जुमला फेंका था कि हमने मूंग का 6,990 रुपए समर्थन मूल्य घोषित किया था, 1 किलो मूंग भी हमारा बिका नहीं है समर्थन मूल्य पे, इन्होंने टोकन काटे नहीं है, वो हम लेके बैठे हैं घर पे, जब तक वो कोई योजना चालू होगी तब तक हमारे मूंग खत्म हो जाएंगे। वो अपने बस कागजों में इन्होंने ये समर्थन मूल्य घोषित कर दिया, लेकिन हमें 1 रुपया भी नहीं मिला समर्थन मूल्य का। ग्राउंड लेवल पे नहीं मिला जी। आप आओ, वोट करते हो कि नहीं करते? नहीं करते, बस भीड़ लगा नहीं हुई है। वोटर कौन है? वोटर हो, आ जाओ, आ जाओ। वोट करते हो? यस। पहली बार करने जा रहे हो कि दूसरी बार? दूसरी बार। पहली बार किया था? यस। इस बार भी किया? इस बार भी करोगे? यस। किन मुद्दों के साथ? रोजगार, स्कूल, कॉलेज,
पढ़ाई के लिए, क्या कौन सा मुद्दा? यही है वो, यही है जो मैंने बोल दिया वहाँ। तो चलिए, युवाओं ने अपनी राय दी कि किन मुद्दों के साथ वो वोट करने जा रहे हैं। 11 तारीख को मतदाता की किस्मत का फैसला हो जाएगा, मत पेटियां खुलेगी तो पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन जीत रहा है और किसकी हार हो रही है। एक मिनट, कैमरा बासी से अपने सहयोगी सार्थक शर्मा के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।